गुड मॉर्निंग एवरीवन माय नेम इज़ ममता वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एंड आई विल बी टीचिंग यू बिजनेस एन्वायरमेंट बिजनेस एन्वायरमेंट के लिए हम जो बुक फॉलो करेंगे वो होगी वीके पब्लिकेशंस की बाय मुकेश त्रिहान एंड रंजित त्रिहान तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं हमारे पास टोटल सिक्सटीन चैप्टर्स हैं और सलेबस कैसे है देख लेते हैं एक बार पेपर का पैटर्न वही है आपका नाइन क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन नंबर फाइव शॉर्ट टाइप्स होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जो फोर मार्क्स ईच के होते हैं और वो कम्पल्सरी क्वेश्चन होता है जो एंटायर सिलेबस से हो सकते हैं और बाकी के जो एट क्वेश्चन होते हैं आपके बाकी जो भी आपका पूरा सिलेबस है वहां से कहीं से भी आ सकते हैं तो क्या क्या है सिलेबस में सबसे पहला है बिजनेस एनवायरमेंट कंसेप्ट components and importance environmental scanning concept importance and techniques organizational scanning concept importance and techniques then public private and joint sectors in india next to paragraph is that is economic systems capitalist socialist and mixed economy next paragraph economic planning in india achievements and failures planning machinery in india

तो जो एट क्वेश्चन है और ये सिक्स पैराग्राफ है It means किसी भी से से एक से ज़्यादा आ सकता है। अब अगर हम इसी को करें, तो जैसे वाला है, है, तो ये chapter one, two, fifth जो है आपका ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका बन गया देन आपका सिक्स और सेवेंथ जो है चैप्टर ये सेकेंड पैराग्राफ बन गया आपका एट नाइन्थ एंड टेंथ जो चैप्टर है मेक इन इंडिया तक जो टेंथ चैप्टर तक है आपका ये आपका थर्ड पैराग्राफ बन गया देन आपका नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेके जो भी आपका एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट तक है तो एक्सचेंज मैनेजमेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यहाँ तक तो आपका इलेवेंथ से फिफ्टीन तक आपका एक पैराग्राफ बन गया और लास्ट चैप्टर लास्ट पैराग्राफ जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यहाँ से आपका एक पैराग्राफ बन गया तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगर आप ये खाली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक चैप्टर भी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म है इसी तरीके से अगर ये जो फर्स्ट फाइव चैप्टर्स आप करते हैं तो यहाँ से आपको दो से तीन क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वहां से मिल जाता है और बाकी के दो फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको फर्स्ट फाइव चैप्टर से मिल जाते हैं तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं तो शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरमेंट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट कंसेप्ट कॉम्पोनेट एंड इम्पॉर्टेंट सबसे पहले जो टर्म यहाँ पर यूज हो रही है दैट इज बिजनेस एनवायरमेंट दो टर्म्स हैं सबसे पहले बिजनेस क्या होता है बिजनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी लिटरल सेंस में अगर हम बिजनेस का मीनिंग देखें लेकिन जब हम इसे इकोनॉमिक सेंस में देखते हैं या हम कमर्शियल सेंस में इसे देखते हैं तो बिजनेस का मतलब है जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन बींग कर रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स वो किस फॉर्म में हो सकती है प्रोडक्शन की फॉर्म में हो सकती है एक्सट्रैक्शन की फॉर्म में हो सकती है परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल की फॉर्म में हो सकती है मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस इस फॉर्म में वो हो सकती है तो बिजनेस को हम सिंपल सा कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट है जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स करते हैं टू ऑन प्रॉफिट देन एनवायरमेंट की बात हम करते हैं एनवायरमेंट मतलब आपके आसपास का जो भी सराउंडिंग्स है अब इसमें सराउंडिंग्स में सभी चीजें आ जाती हैं आपका इमीडिएट आपके एनवायरमेंट में जो पर्सन है जिससे आप इफेक्ट हो रहे हो या फार अवे कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप डायरेक्टली इफेक्ट इफेक्ट नहीं हो हो रहे लेकिन उसका किसी ना किसी तरीके से जो बिजनेस है उसके ऊपर पहुंच रहा है तो एनवायरमेंट सिंपल सा अगर हम लिटरल सेंस में बोले तो एनवायरमेंट का मतलब है आपके सराउंडिंग्स क्या है तो बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है कि जो बिजनेस की सराउंडिंग्स हैं जिससे बिजनेस इफेक्ट होता है और जिसको बिजनेस इफेक्ट करता है वो सब चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं तो मीनिंग सबसे पहले हम कंसेप्ट बिजनेस का ही कंटिन्यू करते हैं अभी हमने बात की कि बिजनेस क्या है वो एक्टिविटीज जो ह्यूमन कर रहा है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट

डायरेक्टेड है टू वर्ड्स प्रोड्यूस करने के या वेल्थ को एक्वायर करने के थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स जबकि जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो उससे आगे जाता है मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना है अपना तो According to Peter F. Drucker, business means to create customers and to expand market shares. तो ये difference है दोनों आपके old concept of business में and modern concept of business में जो modern concept of business है वो ये कहता है कि जो profit earning है वो possible नहीं है without customer satisfaction. जबकि जो old concept है वो ये कहता है आपको सिर्फ produce करना है wealth acquire करनी है थ्रू बाइंग और सेलिंग गुड्स तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो ओल्ड कंसेप्ट से आगे जाता है देन नेक्स्ट आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के सबसे पहला है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फाई किया जा सके लेकिन इसमें क्या चीज है अगर एक इंडिविजुअल परचेज कर रहा है कोई भी चीज या कोई भी सर्विस उसके पर्सनल यूज के लिए तो उसे आप बिजनेस नहीं कह सकते अगर सपोज एक शॉपकीपर है वो कुछ सामान परचेज करता है अपने डोमेस्टिक यूज के लिए तो आप उसको बिजनेस नहीं कह सकते बिजनेस वही एक्टिविटी करवाएगी एक एक्टिविटी एक को आप कहेंगे जो आप किसी और को आगे सेल करने के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर आप परचेज कर रहे हैं सेम मटेरियल फॉर सेलिंग तो उसे बिजनेस एक्टिविटी कहा जाएगा मतलब ये जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए रीसेलिंग के लिए होना चाहिए ना कि कंजम्पशन के लिए तभी वो बिजनेस एक्टिविटी है अदरवाइज वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट मोटिव जो प्राइम कंसिडरेशन है किसी भी बिजनेस में वो है प्रॉफिट को अर्न करना जो रिप्रेजेंट करती है कि एक फेयर रिटर्न आपके कैपिटल एम्प्लॉयड पे आपको मिला है जो भी रिस्क आपने लिया है उसके बदले में मतलब जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट मोटिव अगर होगा तभी उस एक्टिविटी को हम बिजनेस कहेंगे अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो बिना प्रॉफिट मोटिव के तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूटी इन डीलिंग्स एक सिंगल ट्रांजेक्शन को आप बिजनेस नहीं कह से. सकते। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो डीलिंग्स कर रहे हो ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो रेगुलर होनी चाहिए तभी वो बिजनेस कहलाएगी नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क बिजनेस ऑपरेट करता है रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो भी आपका इंटरनल है या एक्सटर्नल इंटरनल मतलब जो चीजें बिजनेस के विद इन प्रेजेंट है जैसे लेबर की लेबर हो गया या फिर जो बिजनेस है उसके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हो गया जो एक्सटर्नल है एक्सटर्नल में हम जो भी बिजनेस के बाहर प्रेजेंट है उसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं तो जो भी आपका मैनेजर जब डिसीजन लेता है उसके लिए ये डिफिकल्ट है क्योंकि अगर वो करेक्टली उस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहा है कि उसका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे उसे रिस्क पोज कर रहा है तो वो अच्छे से बिजनेस को नहीं चला पाएगा तो जो सोसाइटी है वो परमिट बिजनेस को करती है कि वो अर्न कर सके प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर बियोरिंग रिस्क और इसी रिस्क की वजह से बिजनेस में आप प्रॉफिट अर्न करोगे या नहीं करोगे इस चीज के लिए अनसर्टेनिटी रहती है तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क में क्या है कि जो बिजनेस है जो पर्सन रिस्क लेगा वही अच्छे डिसीजन ले सकता है और प्रॉफिट अर्न कर सकता है नेक्स्ट इज योर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी Uh, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए सोसाइटी के के लिए ये ज़रूरी है कि जो उनकी यूटिलिटी है वो इन्हांस की जाए और वो इन्हांस कौन करता है बिजनेसमैन करता है फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू जो यूटिलिटी है आप वेरियस वेज में वेरियस फॉर्म्स में क्रिएट कर सकते हो यूटिलिटी आप प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होती है जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हो जैसे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से अगर आप उसे प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लेके जा रहे हो तो आप प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट होती है जब आप प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज कर देते हो जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा रॉ मटेरियल से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया फाइनल प्रोडक्ट पे तो वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हुई टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है कि जब आप जिस टाइम पे जिसको जरूरत है वहां पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा पा रहे हो तो आप स्टोर करके गुड्स को गोडाउंस में कोल्ड स्टोरेजेस में और उसके बाद थ्रू ट्रांसपोर्ट उन्हें वहां पहुंचाकर जहाँ पर उनकी जरूरत है आप टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हो नेक्स्ट इज योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो मेन एम है बिजनेस का प्रॉफिट अर्निंग है लेकिन प्रॉफिट अर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड रिसर्च बिजनेस मैन को हमेशा इनोवेशन एंड रिसर्च अपनी जो फील्ड है उसमें करनी चाहिए क्योंकि जो इनोवेशन एंड रिसर्च होगी उसी से आपके जो कस्टमर है उसकी नीड्स को आप फाइंड आउट कर पाओगे और उसको फुलफिल कर पाओगे नेक्स्ट इज योर ह्यूमन एक्टिविटी जो बिजनेस है वो ह्यूमन एक्टिविटी है आप फिजिकल रिसोर्सिस आपके पास हैं लेकिन आप उसे तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हो देन बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी बिजनेस को आप विदाउट सोसाइटी नहीं कर सकते सोसाइटी से ही आपको रॉ मटेरियल मिलेगा मैन पावर मिलेगा कैपिटल मिलेगी और अदर रिसोर्सेस मिलेंगे वहीं से आप प्रोड्यूस करोगे डिस्ट्रीब्यूट करोगे गुड्स जो सोसाइटी यूज करेगी और उसके लिए वो आपको कंसिड्रेशन पे करेगी नेक्स्ट इज बिजनेस इज बोथ साइंस एंड आर्ट बिजनेस बिजनेस साइंस है क्योंकि जस्ट लाइक साइंस इट हैस सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स जो एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिशड करते हैं जो बिजनेस है वो एक आर्ट भी है अंडर आर्ट सिर्फ प्रिंसिपल्स ही फॉर्मुलेट नहीं किए जाते बट उनका कैसे बेस्ट यूज करना है कैसे उनको आपने इंप्लीमेंट uh, करना है वो चीजें यहां पर फॉलो की जाती है नेक्स्ट इज वाइड स्कोप जो बिजनेस का स्कोप है वो बहुत लार्ज है इसमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं आता इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन बैंकिंग इंश्योरेंस स्टोरेज कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग पैकेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर सभी चीजें इंक्लूड होती हैं देन आते हैं मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरमेंट का बिजनेस एनवायरमेंट का मतलब है सराउंडिंग्स जो बिजनेस एंटरप्राइजेस की हैं जिसका इन्फ्लुएंस बिजनेस की फंक्शनिंग पर हो रहा है एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी सरवाइव कर सकती है तभी ग्रो कर सकती है जब वो कॉन्टिन्यूसली और क्विकली जो भी चेंजिंग एनवायरमेंट है उसको अडेप्ट करे इसे हम कॉन्टिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच